सो MBK मॉल से हम लोग आए यहाँ से एंड अब जा रहे हैं सेंट्रल वर्ल्ड सॉरी प्लैटिनम मॉल बट बैंकॉक कन्वेंशन सेंटर. दिखा कुछ अच्छी बिल्डिंग थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा. और आगे है सेंट्रल वर्ल्ड विच इज़ कनेक्टेड. ऐसा हमने देखा कि प्लैटिनम मॉल से ज़्यादा कनेक्टेड है सेंट्रल वर्ल्ड. बट आज तो हम लोग बहुत पैदल चल लिए सारी वॉक. ऐसे आज तो कुछ ज़्यादा ही चल रही. आज स्नेहा का पूरा वर्कआउट हो गया चलने चलने में ही. एक हफ्ते की सारी कैलरीज आज ही बर्न कर ली. इतना चल रही है. बट मैन लुक एट द बिल्डिंग. ऊपर देख आप चेक. हाँ अम्बानी के घर का भी ऐसे ही है. ऐसे ही बिल्कुल गर्दन उठा के देखना पड़ता है. तो ये है प्लैटिनम. और जो मैं आपको स्काई वॉक बता रहा था पहली एक मतलब अभी इससे थोड़ी देर पहले तो वो स्काई वॉक ये बना हुआ है जो ये जा रहा था और ये ऊपर. दिस इज द स्काई वॉक. ये ऊपर पीछे तक जा रहा है. हाँ अभी लेके चलते हैं. उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ बहुत बढ़िया. प्लैटिनम फैशन मॉल के बाहर सी फूड मार्केट ये रहा. दिस इज पोमेग्रेनेट. गिव डिस्काउंट प्लीज. वेरी एक्सपेंसिव. गिव 80. प्लीज बाय मोर. वी आर कमिंग. यहाँ पे बार्गेनिंग भी बहुत चलती है. ये है यहाँ की सबसे बेस्ट ड्रिंक जो मुझे लगी और स्नेहा को मिल गए ऑक्टोपस प्रॉन्स चिली वेटर या स्प्रिंग रोल. स्प्रिंग देखते हैं कैसा लगता है. रिव्यू अमेजिंग. लाइक इट. मुझे लग रहा है हमने उससे बोलता अभी आगे जाके लेके आते हैं. मुझे लग रहा है अभी दोबारा से लेना पड़ जाएगा. भाई बहुत अच्छा है यार ये. मतलब जैसे वहाँ पे जूस वगैरह डाल देते हैं ना जूस में पानी वगैरह डाल देते हैं ना लोग चीनी वगैरह से कुछ नहीं डाला हुआ. ओके बहुत रिफ्रेशिंग है. नाइस. चल ऑरेंज अच्छा है. ओरिजिनल पल्प तक आ रहा है और ये हमें सस्ते में मिला. उसने 80 में दिया पोमेग्रेनेट को. इसने 40 में दिया. यस 140. तो अभी हम जा रहे हैं बोट राइड का फ्लोटिंग मार्केट. बट पहले पूछते हैं कि बोट एग्जैक्टली जाएगी कहाँ पे क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता. यहाँ से तो है रास्ता
बट चलो यहाँ से देखते हैं। आई थिंक इधर है टिकट का। कह रहे हैं हम हैं प्रतुनम रिवर में और हम अभी जाएंगे फानफा ब्रिज रिवर और फिर फानफा ब्रिज से वापस विल कम बैक टू प्रतुनम रिवर हेयर ओनली। एंड एक जस्ट वन वे का एक पर्सन का 30 बात है एंड हम लोग आना जाना करेंगे तो इट विल टेक लाइक 120 बात। चलो चलते हैं। चल स्नेहा आराम से गिरना मत। एक्चुअली यार यहाँ का ना बहुत लैंग्वेज बैरियर है इस वजह से गूगल ट्रांसलेट ही सब कुछ करता है। सिट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। We can sit at the back. So boat chal chuki hai. अपडेट है ये एक्चुअली 30 बात नहीं है ये 14 बात और वन वे है। अगर आपको दिख रहा हो 14 बात वन वे फॉर वन पर्सन। वापस आ गए हैं यहाँ से निकले थे। मुझे बस ये सैमसंग का ऐड याद है क्योंकि हम लोग पहले उस साइड चढ़े थे अब इस साइड से आए हैं। बट कोई नहीं सामने सामने है। हाउ वाज योर राइड? नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लगा? बहुत मजा आया। पर ये पास चल रही थी और पता भी नहीं चला। और सबसे सबसे अच्छी बात है कि सबसे सबसे सस्ता प्राइस इसी चीज का था इसी एक्सपीरियंस। 14 बात पर पर्सन वन वे और 56 बात में हमारा काम हो गया। अब भी हम जा रहे हैं प्रतुनम मार्केट। एक्चुअली वो भी आज स्किप हो जाता अगर ये बोट ना आती बिकॉज थक इतने चुके थे बैठे बैठे ना। हाँ मॉल में जाके मैं मॉल में जाके बिल्कुल थक जाता हूँ क्योंकि मेरा तो कुछ काम होता नहीं है। मुझे जो लेना होता है मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। बट कोई नहीं चलते हैं अब प्रतुनम नाइट मार्केट। वो है आई थिंक इस साइड। हो यार बैंकॉक इज ब्यूटीफुल। सो अभी हम जा रहे हैं प्रतुनम नाइट मार्केट। थोड़ा शेडी सा लग रहा है। Excuse me, Pratunam night market? Yeah. This is, which market this is? What market this is? Yes. This is also Pratunam night market? Yeah. It's closed. But now closed. It's closed now. What's the closing time? Yeah. What's the timing? Closing time? Nothing. Yeah, closing time? About 4 p.m. Oh. Okay. तो यहाँ पे एक पार्ट तो बंद हो गया है कह रहा है जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे। थोड़ा आगे जाके वो कह रहा है वो 12 बजे तक खुलती है। वैसे ये भी इतनी कोई ख़ास मार्केट नहीं है सब कपड़े ही मिल रहे हैं। हमने सोचा था कुछ ऐसा मिलेगी जो इंडिया में ना मिले काइंड ऑफ सुवीनियर बट यहाँ पे सब जगह ना कपड़े ही मिल रहे हैं। ये अपना जैसे चांदनी चौक वगैरह ये सब है सरोजनी 70-60 भात है ये। सबसे सस्ता 80-90 भात
जितना भी होगा आप INR में कन्वर्ट कर लेना 70 baht। ये है उतने एरिया में से निकल के आए प्रतुनम नाइट मार्केट, ये पार्ट खुला हुआ है और आगे थोड़ा और अच्छा लग रहा है। पर यार ये कुछ भी कहो इसने पूरा सरोजनी है, कुछ अलग सा नहीं है, पूरा सरोजनी। हाँ बट वाइब वही है, मतलब अगर हम कुछ खरीदना भी चाहें ना तो हम ये सोच रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि थाईलैंड से खरीदा हुआ है कुछ मतलब नहीं बन रहा, कुछ ही अलग नहीं है। जैसे हम बाली से चल एक वो ही लेके आते ना जिसमें बाली उसमें बाली लिखा ही हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मम्मियों के लिए शॉपिंग चल रही है, अपनी मम्मी के लिए और मेरी मम्मी के लिए भी देख रही है। 100 baht मिल रहा है हमें, एक तो ये पसंद आया है और अभी दूसरा कलर देखते हैं कौन सा मिलता है। सो वी आर डन विद शॉपिंग, डन विद डिनर, सब कुछ कर लिया। व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा वहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द नाइट। यहीं पर ही हम दिन में थे और अब यहीं से ही स्नेहा की तो जान निकल गई, चढ़ली हो गई, ट्रैकिंग हो गई, ट्रैकिंग कर ली मैडम ने वहाँ से यहाँ तक। अब ये है ऊपर का, यही इसको ही ये लोग स्काई वॉक बोलते हैं। तो जैसा कि हमने पहले किया था यहाँ से मोटर टैक्सी ली थी, अब बस जा रहे हैं, बहुत लंबा है चलने के लिए। बट हमने सोचा कि अभी इतने दिनों से हम लोग स्कूटी बस तो खैर अभी लेंगे, स्कूटी टैक्सी वगैरह सब चीज़ में घूम रहे हैं, तो आई नॉट वी शुड वॉक एंड बर्न सम कैलोरीज। वैसे भी ये बहुत डाइट कॉन्शियस है, तो अब थोड़ी कैलोरीज बर्न कर ले। अभी बिरयानी खाई है, चिकन बिरयानी ना टमी, तो उसको हाँ यार 190 baht का हमें बहुत अच्छा मिल गया। वो तो जस्ट ऐसे ही हमने कहा चल यार इतनी दूर जाना है वहाँ से खाएंगे तो इससे अच्छा। हाँ जो भी हमने ट्राई किए सब अच्छे थे, और हमने एक्चुअली ये बैग लिया इसने 100 baht, तो जो भी था वो सारी मार्केट जितनी भी थी 100 baht। तो अभी कुछ ऐसा है व्यू, बेस्ट है, अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, पता भी नहीं ट्रैफिक का भी नहीं जाना, सेफ्टी भी है। हाँ सेफ्टी भी है, आगे ड्राइविंग स्किल्स बहुत पुअर है भाई, बहुत गंदी स्किल्स है यार। अभी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, खड़ा हुआ है वो गाड़ी, खड़े बंदे को गाड़ी ने आगे ठोक दिया, और वो भी मार्केट एरिया में। आप लगा लो मार्केट एरिया में चलती कितनी है, 10-20 की स्पीड में गाड़ी चलती है, 10 वो भी बहुत मैक्सिमम, 10-20 बहुत मैक्सिमम, ठोक दिया भाई खड़े बंदे को। ले ली है अपनी बाइक टैक्सी और स्नेहा बाइक टैक्सी लेके, मतलब ये बोल रहे थे 100-100 baht बोल रहे थे एक एक बाइक में, 200 baht टोटल, हमने सिर्फ 50 baht 60 baht दिए, 30 baht 30 baht। तो देख लो कितना कम आपको, मतलब हम लोग क्या जितना कम कोई और भी आए तो वो कर सकता है। यहाँ पे एक्चुअली ग्रैब और बोल्ट भी चलती है, तो इस वजह से फिर मैंने इनसे ही पूछ लिया क्योंकि वो दो ऑलरेडी खड़े हुए थे। बस जा रहे हैं, जल्दी पहुंचा देगा, डिस्टेंस और बाइक में।